हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लफीश हेल्थकेयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मी प्रेड टेबलेट के बारे में। भाई, जो मी प्रेड टेबलेट होता है खासकर महिलाओं के लिए ही होता है, जैसे कि महिलाओं के क्या होता है प्राइवेट क्या हो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पीरियड की समस्या होती है या जो रिलीज नहीं हो पाते हैं ओवरी से, एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम होती है, कई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो मी प्रेड टेबलेट होती है महिलाओं के सभी दिक्कतों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों, हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इसके यूज क्या होते हैं, कब और कैसे लेना है महिलाओं को, और किन किन परेशानियों में किन किन दिक्कतों में ये टेबलेट लाभकारी होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं, जो मी प्रेड टेबलेट होता है ये 10 mg में आते हैं। जो इसके कंपोजिशन होता है दोस्तों, मिड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट होता है, ठीक है, जो कि 10 mg में होती है। अब दोस्तों इसके हम बात करें यूजेस के बारे में, आखिर कब किया जाता है, महिलाओं को कब दिया जाता है। तो जैसे दोस्तों यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, कहने का मतलब है जैसे क्या होता है, जो यूट्रस होता है महिला के गर्भाशय जो होता है, जहाँ बच्चा पलता है, ठीक है, वहाँ क्या होता है दोस्तों, ब्लीडिंग होने लगती है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। कभी क्या होता है पीरियड के टाइम होती तो है ठीक है, बट विदाउट पीरियड के टाइम भी एबनॉर्मलिटी ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है एबनॉर्मल ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों एंडोमेट्रोसिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। एंडोमेट्रोसिस होता क्या है, जो यूट्रस की अंदर की जो लाइन होती है, जो परत होती है, वो क्या होती है मोटी होने लगती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, जिससे कि ओवरी में और या यूट्रस में क्या होता है कैंसर के भी चांस बढ़ सकते हैं, तो उस कंडीशन में इसको एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। तो एंडोमेट्रोसिस को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिन लोगों में दोस्तों एंडोमेट्रोसिस जिन महिलाओं को होती है, वो क्या होता है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, ठीक है, तो एंडोमेट्रोसिस को ठीक करने के लिए वहीं पर दिया जाता है। वहीं पर दोस्तों क्या होता है एमनोरिया में दिया जाता है। एमनोरिया का मतलब है जैसे कि महिलाओं में जो मंथली पीरियड होता है, मासिक धर्म जो होती है, वो ठीक से नहीं आता है, इरेगुलर रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। ये जब इसका उपयोग करती है महिलाएं, तो उनका पीरियड जो होता है प्रॉपर और सही तरीके से मंथली आने लगता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि जब इसका उपयोग महिलाएं करती हैं तो क्या होता है उनमें, तो कई दिक्कतें ठीक हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और जो ईग बनता है, जहाँ ओवरी से ईग होता है, उनको मैच्योर करके क्या होता है रिलीज करने में मदद करता है, ओव्यूलेशन करने में मदद करता है, जिससे महिला क्या होता है प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं महिलाओं के, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। बात करें दोस्तों किन लोगों में नहीं देनी चाहिए, तो जैसे जो महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, जो महिला प्रेग्नेंट है उनको नहीं देना है, ये कई एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर सकती है दोस्तों, जैसे कि बच्चे में जो बच्चे की ग्रोथ होती है उनमें एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ठीक है, या यूट्राइन ब्लीडिंग भी हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम, तो उस समय इसको ध्यान देना है नहीं देना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आखिर इसका डोज क्या होता है, डोज कैसे लेते हैं, तो डोज इसका होता है दोस्तों 1 tablet दिन में एक बार दी जाती है डॉक्टर द्वारा, एक गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा दी जाती है, खुद से ना लें, ठीक है, जब रिक्वायरमेंट बॉडी में होती है तभी डॉक्टर देता है इसको, ठीक है, अदरवाइज नहीं देता है, ठीक है, वरना कई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये क्या होता है प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव होता है, जो कि एक फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है, मिड्रोक्सी जो प्रोजेस्टेरोन ये होता है एक हार्मोन होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो आपके जैसे कि डिजनेस हो सकती है, यानी चक्कर आ सकता है, वीकनेस फील हो सकती है आपको, वहीं पर दोस्तों आपके सर में दर्द हो सकता है, महिलाओं के एब्डोमिनल पेन हो सकता है, महिला के यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, और आप महिला के जो ब्रेस्ट होते हैं वहां भी दर्द हो सकता है इसके साइड इफेक्ट की वजह से, तो ओवरडोज लेने से जरूर बचें। तो ये रहा आज की वीडियो में हमने बात की मिड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट टेबलेट के बारे में। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।